धन्यवाद सर। सभी को मेरा नमस्कार। परम सम्मानित मंच एवं प्यारे साथियों, क्योंकि मैं पहचान बनाने के दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण बिश्नोई है और मैं नागौर राजस्थान से आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप में से अनेक लोगों की जन्मभूमि राजस्थान रही है। बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि मेरे गांव मेरे शहर के लोग भी यहाँ पर हैं। आप उस रंगीले राजस्थान से इस गर्विले गुजरात तक पहुंचे हैं। आपने उस रेत के समंदर से इस पानी के समंदर तक का सफर आप लोगों ने तय किया है। ये बहुत बड़ी बात है। गांव छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मनोज देवावा जी की पंक्तियां हैं कि तुम इंद्रपुरी से सुंदर थे मेरे मुरधर के सुखद ग्राम, तेरे रेतीले धोरों पर उल्लास बिछाती सुबह शाम, अरमान सुलगते शोलों से मानव मन के अवसादों में, हे गांव तुझे मैं छोड़ चला लाचार भरे इस भादों में। गांव आदमी दो ही कारणों से छोड़ता है, या तो बहुत बड़े बड़े अरमान लेकर, महत्वाकांक्षाएं लेकर, या फिर अवसाद ग्रस्त होकर लाचारी में मजबूरी में। आप में से अनेक लोगों ने गांव शौक से छोड़ा होगा, कुछ एक लोगों ने लाचारी में गांव छोड़ा होगा, लेकिन आप उस मजबूरी से निकलकर इस मजबूती तक पहुंचे हैं। आपने यहां बहुत अच्छी पहचान स्थापित की है, इसलिए आप सबकी मेहनत नमन करने योग्य है। मैं आपके प्रयासों को प्रणाम करता हूं। दूसरी बड़ी प्रसन्नता की बात मुझे ये लगी कि आप लोग अपना राजस्थान हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। आप अपनी संस्कृति के रंग यहां भी बिखेरते रहते हैं। गुरु नानक से जुड़ा एक प्रसंग है कि गुरु नानक एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं यात्रा पर जा रहे थे, तो रास्ते में किसी गांव में रात वासा किया, रात को रुके, तो गांव के लोगों ने बड़ी सेवा की, आओ भगत की, मान मनोहार की, अच्छा खाना खिलाया। गुरु नानक जब चलने लगे तो गांव के लोगों ने आशीर्वाद मांगा। गुरु जी बोले कि जाओ बिखर जाओ। उसके बाद दूसरे गांव में गए, वहां पे रुके, लेकिन किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। जब चलने लगे तो नानक ने खुद ही आशीर्वाद दिया, गांव वालों ने तो मांगा नहीं था, नानक ने खुद ही आशीर्वाद दिया कि हमेशा आबाद रहे। तो चेले चकित हो गए, बार बार इनकी अग्रंडा पाजू को गया। बोलिया गुरु जी आज ये बात हुई, आपने उन भले लोगों को तो बिखर जाने के लिए कहा, लेकिन इन दुष्ट लोगों को आपने आबाद रहने का आशीर्वाद दिया, ये उलट बांसी क्यों? तो नानक बोले कि बुरे लोग अगर फैलेंगे तो बुरा ही फैलाएंगे, लेकिन भले लोगों का बिखर जाना भला है, क्योंकि भले लोग अगर बिखरेंगे तो हर जगह भला ही बिखरेंगे। तो आप लोग राजस्थान के भोले और भले लोग हैं, आप लोगों का बिखर जाना भला है। आप अपनी भलमनसाहत, अपनी संस्कृति, अपने अपने रंग यूं ही बिखेरते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी दी नहीं गई थी, मेरे पिता यहाँ उपस्थित थे, मैं इनके आदेशों से आपके समक्ष उपस्थित हुआ। मुझे केवल इतना कहा गया था कि प्रतिभा सम्मान समारोह है और तुम्हारे छोटे भाई वहां मौजूद होंगे, तुम्हें उनसे रूबरू होना है, तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ। इधर जो मेरे मित्र बैठे हैं, जिनके लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिनके सम्मान समारोह का मैं साक्षी बन रहा हूँ, उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि आप उदय होते हुए सूर्य हैं, आप उगते हुए सूरज हैं। हम लोगों ने बस इतना पहचाना है कि आप लोग कुछ काल के बाद भगवान भास्कर की तरह हमें आलोकित करने वाले हैं, आप अपनी प्रतिभा के बल पर हमें प्रकाशित करने वाले हैं। तो हम लोग अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर आपको सम्मान दे रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपको प्रमाण पत्र देने की हमारी हैसियत नहीं है, ना ही आपकी प्रतिभा किसी प्रमाण पत्र की मोहताज है। आप जैसे होनहारों के समक्ष बोल पाना मेरे लिए गर्व का विषय है, लेकिन ना तो मैं अधिक बोल पाने का सामर्थ्य रखता हूं और ना मैं अधिक बोलने का अधिकारी हूं, इसलिए मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका अग्रज होने के नाते आपसे दो चार मिनट बात करूंगा, और दो या तीन ऐसी आदतें अपनाने के लिए आज से आपसे आग्रह करूंगा, जिनके बारे में मुझे लगता है कि अगर आप उन आदतों को अपना लेते हैं तो आपके जीवन को सरस, सरल, सफल और सुखद बनाने में सहायता मिलेगी। बड़ी सरल सरल आदतों की बात करूंगा, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं सीधे काम की बात पर आता हूं। पहली आदत जो अपनाने के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करने जा रहा हूं, वो यह है कि आपको बहुत सी किताबें पढ़नी, सिलेबस की किताबें नहीं, आपकी रुचि की किताब, ऐसी किताबें जिनको पढ़ना आपकी मजबूरी ना हो, अलग अलग क्षेत्रों की किताबें, अलग अलग विषयों की किताबें, अलग अलग लेखकों की किताबें। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, किताबें क्या करेंगी, तो किताबें क्या करेंगी, जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कि क्या करना है, अब क्या करें,
अब कहां जाएं, तो उस वक्त किताबें आपको रास्ता दिखलाएंगी, किताबें आपको बताएंगी कि कहां से बच के चलना है और कहां जाना जरूरी है। किताबें अंधे की लाठी की तरह आपके साथ चलेंगी, किताबें आपके दिमाग की धार को तेज करेंगी, किताबें जब कभी आप रो रहे होंगे तो आपके आंसू पोंछेंगी, किताबें आपको मुस्कुराने की वजह देंगी, क्योंकि किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। जिम रोन एक प्रसिद्ध अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि जो पांच लोग आपके मित्र होते हैं उनके व्यक्तित्व के अंशों से मिलकर आपका व्यक्तित्व बनता है। जिन पांच लोगों के साथ आपका उठना बैठना है उन लोगों के अंशों से मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आप में कुछ भाग इसका है, कुछ भाग उसका है, ये सारे भाग समाहित हुए हैं और आप बने। तो ये कथन किसी ने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था और मैं इस पर आए हुए कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक कमेंट मुझे बड़ा रोचक लगा। उस व्यक्ति ने लिखा था कि अगर यही बात है कि मेरे मित्रों के अंश मुझ में आएंगे या फिर उनसे सीखी हुई बातों से मेरा व्यक्तित्व बनेगा, तो क्यों ना मैं किताबों को अपना मित्र बनाऊं और उनके माध्यम से क्यों ना मैं अपना उठना बैठना ही गांधी के साथ रखूं, मैं विवेकानंद के साथ जीऊं, मैं कलाम के साथ रखूं। किताबें मुझे ये विकल्प देती हैं कि जो हालात मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, अगर यही हालात टैगोर के सामने बने होते, गांधी के सामने बने होते, अरविंद के सामने बने होते, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होती, मैं एक मित्र के रूप में उनकी सलाह ले सकता हूँ। और कितनी अच्छी बात है अगर किताबों के माध्यम से हम गांधी या टैगोर के व्यक्तित्व का 1000वां अंश भी अपने आप में प्राप्त कर लेते हैं, हम उनके पैरों की धूल के कण के बराबर भी अगर हो जाते हैं तो हमारा जीवन तो सफल है। तो हमें क्या करना है, हमें महीने में कम से कम एक किताब से शुरुआत करनी है, हमें महीने में कम से कम एक किताब, अधिक में 2, 3, 4, 5 जितना आपका सामर्थ्य हो, लेकिन कम से कम एक किताब महीने में जरूर पढ़नी है और इससे धीरे धीरे अपने ज्ञान को विस्तृत बनाना। ये तो थी पहली आदत। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था वो ये था कि आपको बहुत से मित्र बनाने, बहुत से लोगों के साथ मित्रता करनी है, अपने से छोटे, अपने से बड़े, अपनी उम्र के, अपने जैसी रुचियों वाले, अपने जैसे विचारों वाले, अपने से विपरीत रुचियों वाले, तरह तरह के लोगों को मित्र बनाना है, मित्र बनाना है और मित्रताएं निभानी है, क्योंकि ये जो मित्र है ये आपके जीवन की थाती हो, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क होगा वो आपका नेटवर्क होगा। लेकिन मित्र बनाते समय एक बात ध्यान रखनी है, वही बात जिम रोन की जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि मित्र ही आपका व्यक्तित्व बनाते हैं और मित्र ही आपका भविष्य बनाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है जो बुराई के पक्षधर हैं। कर्ण दुर्योधन का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, मित्रता उन दोनों की आदर्श, लेकिन दुर्योधन बुराई का पक्षधर था। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाभारत का रण शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और कहा कि कर्ण तुम कुंती के सबसे बड़े बेटे हो, तुम युधिष्ठिर से ज्येष्ठ हो, तुम भारत भर में श्रेष्ठ हो, हम तुम्हें पूरे भारत का साम्राज्य दे देंगे, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस दुर्योधन को छोड़ देना है। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण दुर्योधन को छोड़ देता है तो फिर दुर्योधन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो पांडवों से युद्ध करने की बात सोच भी नहीं। तो कृष्ण कर्ण के पास गए और बोले कि कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती सब मिलकर उखाड़ेंगे, सब मिलकर पांव उखाड़ेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित चवन ढुलाएगा, बोले भीम तुम्हें जुतियां पहनाएगा, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित चवन ढुलाएगा, पहरे पर पाठ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, बोले जिस द्रौपदी ने तुम्हें स्वयंवर में ठुकरा दिया था वो द्रौपदी स्वयं अपने हाथों से तुम्हें पान खिलाएगी, तुम्हें करना क्या है, बस दुर्योधन को छोड़ देना है। कर्ण को कितने लालच दिए, बोले गुरु राज्य अर्पण करता हूं, ये साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज, दुर्योधन को छोड़ दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भागी शोक सके, हम सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन कर्ण के लिए दुर्योधन भगवान से बढ़कर था, उसका सर्वस्व दुर्योधन का ही दिया हुआ था। अगर उस वक्त ये गाना रहा होता तो कर्ण तो पक्का ही गुनगुनाता कि मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। क्योंकि जब कर्ण के पास कुछ नहीं था तो दुर्योधन ने उसे अन्य देश का राजा बना दिया, तो कर्ण बोला कि रंग से राजा बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने, हरिणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य ये सूर्य सोम,
तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है, सुरपु से भी मुख मोड़ूंगा, केशों में उसे न छोड़ूंगा। कर्ण बोला कि भारत का साम्राज्य तो क्या चीज, मित्रता बड़ी अनमोल, रतन कब से तोड़ सकता है, धन धरती की तो क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ तो उसको भी नौछावर कर दूं, द्रौपदी के चरणों में धर दूं। कर्ण नहीं माने, मित्रता निभाई और अपनी अंतिम सांस तक दुर्योधन के लिए लड़ता रहा। और दुर्योधन जिसने अपने 99 भाइयों की मौत पर एक आंसू तक नहीं गिराया था, कर्ण के मरने पर फूट फूट कर रोया। तो मैं कहना क्या चाहता, मैं कहना यह चाहता हूं कि मित्रता तो उन दोनों की भी आदर्श थी, लेकिन दुर्योधन वहां पर बुराई का पक्ष धर था और कर्ण ना उसे समझा पाया और ना अपनी भावनाओं के कारण उसे छोड़ पाया, इसलिए कर्ण को उस मित्रता की कीमत चुकानी पड़ी। तो हमें क्या करना है, बहुत से मित्र बनाने हैं, मित्रताएं निभानी है, लेकिन बुराई के पक्षधर लोगों की संगति नहीं करनी। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो यह है कि आपको परोपकार के काम करने, भलाई के काम करने, ऐसे काम जिसमें आपका खुद का कोई स्वार्थ ना हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, जब कभी भी मौका मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, छोटा बड़ा जैसा भी बन सके, आपको परोपकार का काम करना है, भलाई का काम करना है। मैं 3 आदतें बता रहा हूं, पहली किताबें पढ़ना, दूसरी मित्र बनाना और तीसरा परोपकार का काम। परोपकार का काम इसलिए क्योंकि यह सबसे बड़ा धर्म है। आप भगवान की सेवा पूजा करने मंदिर मस्जिद में ना जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन इंसान की सेवा करने का अवसर आपको कभी नहीं चुकाना। दादा फालसे साहब ने लिखा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया है, रोते हुए बच्चे को हंसा देना इबादत के बराबर। बेलूर मठ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और संथाल जनजाति के गरीब लोग वहां मजदूरी करने आते थे और स्वामी विवेकानंद उनको खाना खिलाया करते थे। तो एक दिन किसी व्यक्ति ने कह दिया कि स्वामी जी भगवान को भोग लगाने का समय हो रहा है, आप कहां व्यर्थ समय व्यर्थ कर रहे हो। तो स्वामी जी बोले कि तुम कहां गंगा नदी के किनारे कुएं खोदने जाते हो, बहु रूपे शोमुखे तुम्हार छाड़ी को था कुंजी छो ईश्वर, ये जो अनेक रूपों में तुम्हारे सामने बैठा है इसको छोड़कर कहां ईश्वर को ढूंढने जाते हो। जीवे प्रेम कोरे जोई जोन से ही ईश्वर की, जो जीव मात्र की सेवा करता है पूजा करता है वही ईश्वर की सच्ची पूजा करता है। मैं तो साक्षात नारायण को भोग लगा रहा हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो रोते हुए बच्चे को हंसा देना इबादत के बराबर है, भूखे को भोग लगा देना नारायण को भोग लगाने के समकक्ष है। 18 पुराणों का सार यही है, अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचन द्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, परोपकार पुण्य है पर पीड़ा पाप। 18 पुराण ही क्यों, सभी धर्म यही तो बात कहते हैं। कुरान में ये जकात और सदका के रूप में आता है, गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब में नानक नाम चढ़ दी कला तेरे माणे सरबत्ता भला के रूप में आता है। कबीरदास कहते हैं कि तरवर सरवर संत जन चौथो बरसे में, परमारथ रे कारणे चारू धारी दे। सभी महापुरुष एक ही बात कहते हैं, सभी महापुरुषों का आदर्श यही, आपके ट्रस्ट का ध्येय वाक्य भी यही है, नर सेवा नारायण सेवा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आस्तिक हैं तो आप भगवान की पूजा समझकर, नर सेवा नारायण सेवा समझकर, शिव ज्ञाने जीव सेवा समझकर भलाई का काम करेंगे। और अगर आप नास्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, इंसान में विश्वास रखते हैं, तो आप इंसानियत को जिंदा रखने के लिए काम करेंगे, लेकिन जब कभी भी जहां कहीं भी अवसर मिले भलाई के काम करेंगे। मैंने 3 आदतें गिनाई है, पहला किताबें पढ़ना, दूसरा बहुत से मित्र बनाना और तीसरा परोपकार का काम करना। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया का अगर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कभी भी बोलता होगा तो इन 3 आदतों की बात अवश्य करता होगा, और ये 3 आदतें अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई फायदा अवश्य होगा। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है ये आदतें आपके लिए भी फायदेमंद हो, लेकिन आपको सलाह देने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैं अपना समय ले चुका हूँ और मैंने पहले भी कहा था कि मैं अधिक बोल पाने का सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। अंत में चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगा कि अभी मैंने आप लोगों को उगते हुए सूरज की संज्ञा दी थी, इसलिए भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि आपको कभी किसी राहु या केतु की छाया ना लगे, आपको कभी कोई ग्रहण ना लगे, आप हमेशा चमकते रहें, आप अपने 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 क्षेत्रों में शिखरों तक पहुंचे, पराकाष्ठाओं को प्राप्त करें। इसी दुआ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।